जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 का रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबला पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बीच में खेला गया, उसी रोमांचक मुकाबले की हाईलाइट के बारे में। तो आप सभी इस मैच की हाईलाइट को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी, शोएब मलिक की बल्लेबाजी को देखकर सानिया मिर्जा ने बजाई ताली, तो बीच मैदान पर ही लोगों ने कर दिया कुछ ऐसा कि देखने लायक था नजारा, तुरंत बीच में ही मैच को पड़ा था रोकना। तो दोस्तों आखिरकार क्या ये पूरा मामला हुआ है इसके बारे में भी बताएंगे और इसका वीडियो क्लिप भी आपको दिखाने वाले हैं। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले बीसीसीआई का बड़ा ऐलान, रोहित शर्मा को बनाया कप्तान और करवाई इन खिलाड़ियों की टीम में वापसी की देखने के बाद आप भी हो जाओगे खुश। तो दोस्तों ये भारतीय टीम का पूरा स्क्वाड भी बताएंगे, तो आप सभी इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों अगर आप भी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रोमांचक मुकाबला देखकर खुश हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि आईसीसी टी20 विश्व कप अब अपने चरम पर आ चुका है, और ऐसे में टी20 विश्व कप में फाइनल के लिए जिन चार टीमों ने क्वालिफाई कराया वो है पाकिस्तान की टीम, इंग्लैंड की टीम, न्यूजीलैंड की टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम, जहां पर इन चारों ही टीमों ने जबरदस्त प्रदर्शन अपने अपने ग्रुपों में कर शानदार जीतों के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करा। और ऐसे में दोस्तों एक मुकाबला इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में होगा, तो वहीं एक मुकाबला पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बीच में खेला जाए। और वहीं दोस्तों हम आपको बताएं कि सेमीफाइनल में जीतने वाली टीम सीधा फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, और आप सभी को वो दो टीमें मिलेंगी जिसका बेसब्री से हर कोई इंतजार कर रहा था, यानी कि आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 का फाइनलिस्ट आपको इन दोनों ही सेमीफाइनल के बाद मिलने वाला है। तो वहीं दोस्तों अगर हम बात करें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मुकाबले की, तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रोमांचक मुकाबला रहेगा, जहां पर पाकिस्तान की टीम को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम काफी अच्छी चुनौती देती हुई नजर आई, क्योंकि यहां पर डेविड वार्नर, एरन फिंच, मिचेल मार्श सभी अपनी शानदार लय में चल रहे हैं और ग्लेन मैक्सवेल ने भी ताबड़तोड़ धुआंधार प्रदर्शन कर दिखाया। और वहीं दोस्तों अगर हम आपको मैच की बताएं, तो वहीं दोस्तों अगर हम आपको पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले गए टी20 मुकाबले के बारे में बताएं, तो यहां पर पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में, जैसा कि आप सभी स्कोर कार्ड में देख सकते हो, 6 विकेट के नुकसान पर 147 रन बनाए। और वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम को 20 ओवर में 148 रनों का लक्ष्य मिला, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरह से बेबस इस मुकाबले में नजर आई। जी हां दोस्तों, यहां पर अगर आप नजर डालोगे स्कोर कार्ड पर, तो पाकिस्तान की तरफ से जब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान मैदान पर उतरे, तो यहां पर बाबर आजम का बल्ला एक बार फिर से चला और बाबर आजम ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 44 गेंदों में 45 रन ठोक डाले और अपनी इस पारी में उन्होंने 3 चौके लगाए। तो बाबर आजम के आउट होने के बाद फकर जमान ने यहाँ पर 12 गेंदों में 11 रनों की पारी खेली, तो वहीं मोहम्मद हाफिज ने 34 गेंदों में 40 रन बनाए और अपनी इस पारी में उन्होंने 3 चौके और 2 बड़े छक्के लगाए, तो वहीं शोएब मलिक ने 12 गेंदों में 14 रनों की पारी खेली और इन्होंने एक बार फिर से टीम को निराश किया था। और वहीं अपनी 14 रन की पारी में शोएब मलिक ने 1 चौका लगाया। और वहीं शोएब मलिक और मोहम्मद हाफिज के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे आसिफ अली ने 6 गेंदों में 9 रनों की पारी खेली, हसन अली पहली गेंद पर आउट हुए और इमाद वसीम ने 1 रन बनाया। और इसी के साथ पाकिस्तान की टीम ने इन्हीं बल्लेबाजों के प्रदर्शन के बलबूते पर 6 विकेट के नुकसान पर 147 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया की टीम को 148 रनों के लक्ष्य का पीछा करना था। और यहाँ पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम इस तरह से लड़खड़ाएगी ये किसी को भी नहीं पता था। दरअसल दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर कुछ भी ज्यादा खास प्रदर्शन कर नहीं पाई, क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई भी बल्लेबाज टिककर बल्लेबाजी कर ही नहीं पाया। जैसा कि आप सभी यहाँ पर स्कोर कार्ड में देख सकते हो कि डेविड वार्नर ने 12 गेंदों में मात्र 2 रन की पारी खेली, तो वहीं एरन फिंच 10 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हुए। वहीं तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे मिचेल मार्श ने 12 गेंदों में मात्र 7 रन की पारी खेली, हालांकि यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 37 गेंदों में 52 रन बनाए और अपनी 52 रन की पारी में उन्होंने 4 चौके और 2 बड़े छक्के लगाए और कोई भी बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कुछ भी ज्यादा खास कमाल कर नहीं पाया, और जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवर में इस मुकाबले में 8 विकेट गंवाकर 136 रन ही बना सकी और पाकिस्तान की टीम ने खेले गए इस मुकाबले को 11 रनों से जीत लिया। हालांकि दोस्तों ये एक पुराना टी20 मुकाबला था जहां पर पाकिस्तान ने दमदार प्रदर्शन कर दिखाया, और ऐसे में अगर आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो जो सेमीफाइनल मुकाबला पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जाने वाला है उसमें आप सभी को पाकिस्तान की टीम का दबदबा काफी ज्यादा हद तक दिखाई दे सकता है, क्योंकि यह मुकाबला आप सभी को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाता हुआ दिखाई देगा और दुबई का ग्राउंड पाकिस्तान की टीम का होम ग्राउंड है, जहां पर वो ताबड़तोड़ चौके और छक्कों की बरसात करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है इस स्कोर कार्ड को देखने के बाद, क्या पाकिस्तान की टीम इस मैच को जीतेगी या फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आईसीसी टी20
टी20 विश्व कप 2021 अब अपने अंतिम चरण पर आ चुका है, जहां पर भारतीय टीम का सफर नामीबिया के खिलाफ खेले गए मुकाबले के साथ ही इस आईसीसी टी20 विश्व कप से खत्म हो गया। और ऐसे में भारतीय टीम ने यहां पर 5 में से मात्र 3 मुकाबलों में ही जीत हासिल कर पाई, जिसके चलते वो सेमीफाइनल की दौड़ में जगह नहीं बना पाई। और इसी के साथ भारत का भार होना शायद हर एक क्रिकेट दर्शक के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारत सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाएगा और उसकी इतनी बुरी हालत पॉइंट टेबल में देखने के लिए मिलेगी। हालांकि दोस्तों अब मात्र 4 टीमें ऐसी रह रही हैं जो कि 3 मुकाबले बचे हुए हैं उनको खेलेंगी और उसके बाद आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। यह भारत की, जहां पर बीसीसीआई ने भी अब फैसला ले चुका है कि आखिरकार टी20 विश्व कप के बाद जो नई सैलरी लिस्ट के अनुसार खिलाड़ियों को लगाया जाएगा वो आखिरकार कौन होंगे और किन खिलाड़ियों को कितना कितना रुपया दिया जाने वाला है। तो दोस्तों आइए अब हम आपको बताते हैं पूरी सैलरी लिस्ट की, आखिरकार किसको कितने कितने करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आइए पहले बात करते हैं ग्रुप सी के खिलाड़ियों की, जहां पर ग्रुप सी में जिन खिलाड़ियों को इस बार बीसीसीआई शामिल करने का विचार कर रही है उसमें नाम निकल कर आता है नवदीप सैनी का, दीपक चाहर का, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज का। तो ऐसे में दोस्तों ये होंगे वो खिलाड़ी जो कि आप सभी को ग्रुप सी में शामिल होते हुए दिखाई देंगे। और यहां से दोस्तों हनुमा बिहारी और युजवेंद्र चहल जैसे खिलाड़ी का नाम निकाल दिया गया, कुमार, शार्दुल ठाकुर, मयंक अग्रवाल आप सभी को ग्रुप बी में रहते हुए दिखाई देंगे। तो ये बात करें अगर ग्रुप ए की, तो ग्रुप ए में भी दोस्तों आप सभी को काफी बड़े बड़े बदलाव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। दरअसल दोस्तों यहां पर आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, चितेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, शिखर धवन, केएल राहुल, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, टी नटराजन, ऋषभ पंत को ग्रुप ए में शामिल किया गया है। और ऐसे में दोस्तों ग्रुप ए में पहले शामिल होने वाले हार्दिक पांड्या को ग्रुप बी में डाल दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, शास्त्री ने दिया आईसीसी को तगड़ा जवाब, कह डाला कुछ ऐसा बयान में कि जानने के बाद आप भी रह जाओगे हैरान। जी दोस्तों रवि शास्त्री टीम इंडिया के हेड कोच के तौर पर अब अपने आखिरी मुकाबले के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और क्रिकेट बोर्ड को आगाह किया और कहा अगर खिलाड़ी की मानसिक थकान पर ध्यान नहीं दिया तो इसका क्रिकेट पर बुरा असर पड़ सकता है। शास्त्री ने कहा बायो बबल में होने वाली मानसिक थकान के चलते आने वाले समय में शायद कई खिलाड़ी इंटरनेशनल मुकाबलों से नाम अपना वापस ले लेते। वहीं सोमवार को नामीबिया के खिलाफ खेले गए आखिरी मुकाबले में भारत को 9 विकेट से मिली जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रवि शास्त्री ने यह बड़ी बात बोली। बाकी अब आपकी क्या राय रवि शास्त्री के इस बयान के बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, बताते चलते हैं दोस्तों इस लिस्ट में जो 10वां बड़ा रिकॉर्ड निकल कर आता है वो ये है कि एक ही टी20 वर्ल्ड कप मैच में एक अर्धशतक के साथ 3 कैच पकड़ने वाले रोहित शर्मा पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। जी दोस्तों रोहित शर्मा ने पहली बार ऐसा कोई कारनामा कर दिखाया है और वो भी भारत की तरफ से। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।